हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमित आहूजा। गाइस, ट्रिपल आईटी हैदराबाद जो कि इंडिया का टॉप ट्रिपल आईटी माना जाता है, बहुत सी बार आईटीज के अंदर अगर बच्चों को सेटिस्फेक्शन के हिसाब से अपनी ब्रांचेस नहीं मिलती हैं तो वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन के हिसाब से पॉजिटिव ज्यादा सोचते हैं। ट्रिपल आईटी हैदराबाद जहां एडमिशन बीटेक के लिए जेईई मेन के बेसिस पे मिलता है, वहीं दूसरी ओर बीटेक विद एमएस रिसर्च 5 ईयर डुअल प्रोग्राम के लिए सेल्फ एग्जाम जो यूजी के नाम से होता है वो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन का एक और रास्ता है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद यूजी एडमिशन के फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन अभी स्टार्ट हो चुका है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सबके लिए, ऐसे स्टूडेंट जो जेईई मेन में बीटेक के अलावा भी ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर यूजी के लिए 5 ईयर डुअल डिग्री बीटेक विद एमएस रिसर्च के कॉलेजेस के हिसाब से ब्रांचेस के हिसाब से सोच सकते हैं वो यूजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूजी का अगर बात करूं तो किन किन ब्रांचेस में इसमें एडमिशन मिलता है, जरा इस बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। कोर्स का नाम है ईसीडी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बीटेक के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एमएस रिसर्च। सीएसडी प्रोग्राम बीटेक विद कंप्यूटर साइंस के साथ सीएस विद एमएस रिसर्च में। सीएलडी प्रोग्राम बीटेक विद कंप्यूटर साइंस के साथ साथ कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक में एमएस रिसर्च। सीएनडी बीटेक विद सीएस के साथ कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंस के अंदर एमएस विद रिसर्च। ईएचडी प्रोग्राम जो बीटेक विद सीएस के साथ में ह्यूमन साइंस के अंदर एमएस विद रिसर्च के हिसाब से होता है। हालांकि इन पांचों प्रोग्राम के अंदर 200 के आसपास ही मैक्सिममली सीट्स हैं, लेकिन वो स्टूडेंट जो इस तरह के कोर्सेज जिनका स्कोप इंडिया में बहुत ज्यादा है, क्योंकि सीएस के साथ में आपको अगर रिसर्च के हिसाब से ऑप्शन में जाने का मूड बनता है या फिर आप सीएस के साथ एमएस रिसर्च में भी करना चाहते हैं या ईसी के साथ एमएस रिसर्च में जाना चाहते हैं, उसके लिए ट्रिपल आईटी हैदराबाद बहुत ही बेहतरीन कॉलेजेस में से है। साथ ही साथ इस तरह के 5 ईयर ड्यूल प्रोग्राम के बाद भी आपका प्लेसमेंट बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बीटेक के हिसाब से आपको सीएस और ईसी तो पढ़ाया जाएगा जो कि कॉमन बेस है, जो कि सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर तक पढ़ाया जाएगा, लेकिन फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में आपको एमएस रिसर्च के हिसाब से थीसिस के हिसाब से भी प्रोग्राम पढ़ाए जाएंगे जो करियर के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। उसमें अगर मैं बात करूं जैसे कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक है, कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंस है, इनका स्कोप तो इंडिया में वैसे भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं यूजी के प्रोग्राम के अंदर एलिजिबिलिटी को लेकर के, तो केवल 12th पास की एलिजिबिलिटी है और एग्जाम जो होगा ये जो एग्जाम है ये SUPR और रीप के एग्जाम के नाम से होगा, जिसमें SUPR में सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जो 60 मिनट का है और रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये 120 मिनट का है, और दोनों ही प्रोग्राम के अंदर 11th और 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में से ही क्वेश्चन आने हैं। एग्जाम अगर आप रिटर्न क्वालिफाई करते हैं जो सुपर और रीप के नाम से एग्जाम होगा, इसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद में आपको इन पांचों प्रोग्राम के अंदर बीटेक विद एमएस रिसर्च के हिसाब से एडमिशन मिलेगा जो कि 5 ईयर ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है। और इसकी अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फॉर्म की तो ये 2500 का एप्लीकेशन फॉर्म है, और साथ साथ एग्जाम इस बार बहुत लेट होने जा रहा है। यूजी का एग्जाम जो है ये 4th of June को है और अप्लाई करने का ऑप्शन खुल चुका है 10th of March से, लास्ट डेट अप्लाई करने की 15th of May तक है। तो गाइस, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन ट्रिपल आईटी हैदराबाद में यूजी के बेसिस पर बीटेक विद एमएस रिसर्च के हिसाब से आपके पास खुला हुआ है। अगर आप इस तरह के प्रोग्राम में इंटरेस्ट रखते हैं और ट्रिपल आईटी हैदराबाद जैसे इंडिया के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए अप्लाई करने का ऑप्शन खुल चुका है। एग्जाम की डेट 4th of June तक है और एग्जाम का पैटर्न जो होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बेसिस पे ही होगा, जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट और सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बेसिस पर होगा, जिसका सिलेबस बहुत अलग नहीं है। इंटरव्यू के लिए भी बहुत टफ इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन आपके लिए बहुत लिमिटेड है, 200 सीटें, लेकिन इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो गाइस, आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए। इस तरह के कंटेंट अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां मिलती है आपको लेटेस्ट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और कंटेंट और नई इंफॉर्मेशन के साथ। मेहनत करते रहिए, जेईई के एग्जाम अब आपके नजदीक आ चुके हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।